फाइनली कुरियर वाला अब आया है यार। तो चलो चलते हैं ये कुरियर वाले के पास और पिकअप करते हैं हमारे कुरियर। इस बार मैंने काफी क्रेजी आरसी कार्स को खरीदा है गाइस। अगर आप इन कार्स को एक बार देख लो ना, आपके होश उड़ने वाले हैं। तो ये भैया मेरे को बोल रहे थे कि मेरे 4 पार्सल्स आए हैं टोटल। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं कौन से पार्सल्स है। ये भैया ने मेरे को बोला कि यहाँ पे मेरे को सिग्नेचर करना पड़ेगा, मैंने फटाफट से सिग्नेचर कर दिया है। तो बहुत ही शानदार कार अभी आ चुकी है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनको अनबॉक्स करने के लिए। यहाँ पे देखो एक बॉक्स मेरा आ चुका है और वो देखो गाइस कितना बड़ा बॉक्स है। इसको खोलूंगा ना आप शॉक हो जाओगे, इतनी बड़ी कार है ये बॉक्स के अंदर। ओ वाव, ये तो बहुत ज्यादा भारी भरकम भी है। दूसरा वाला बॉक्स है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा बड़ी कार है। यहाँ पे देखो और दो छोटे छोटे बॉक्सेस भी है जिसके अंदर मैंने पार्ट्स मंगवाए हैं अपनी आरसी कार्स के, उनको अपग्रेड करने के लिए इसके अंदर भी पार्ट्स है। तो चलो गाइस इन सभी को घर को लेके चलते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर के सामने काफी बड़ा टेम्पो ट्रक खड़ा था। तो मैंने जब अंदर देखा तो यार मेरे को अब समझ में आया कि यार इसके अंदर तो मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल है जो कि मैंने 5-6 दिन पहले खरीदी थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल इतनी जल्दी आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा भारी भरकम थी यार। देखो दो लोग इसको मुश्किल से उठा रहे थे। नेक्स्ट 2-3 दिनों में मैं इसकी भी अनबॉक्सिंग करके इसकी प्रॉपर तरीके से आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। बॉक्सेस को लेकर मैं आ चुका हूँ मेरे घर में। दोनों ही बॉक्सेस को आज ओपन करेंगे गाइस। मेरे को इंटरेस्ट ये बॉक्स में आ रहा है क्योंकि इसका साइज देखो काफी ज्यादा बड़ा है। उससे पहले ये बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन सी कार है। चलो गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये मेरे पास आई है रॉक हॉबी की कोई तो कार है यार, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक बार फटाफट से इसको खोल के देख लेते हैं। अच्छा तो गाइस मैं भूल गया था यार इसको मंगा के। देखो आज मेरे को ये मिली है, ये है 1:6 MB स्केलर जीप। मेरे पास एक छोटी जीप भी है, उसके साथ इसका कंपैरिजन भी मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि एक बड़ी जीप खरीदने के लिए, तो फाइनली देखो हमारे पास एक बहुत बड़ी जीप भी आ चुकी है। इसकी फाइट हम लोग जिमनी के साथ करा सकते हैं क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है गाइस। थार के बीच में और इसके बीच में फाइट भी करा के देखते हैं दोनों में से जीप पावरफुल है या फिर हमारी थार पावरफुल है। ये देख लो गाइस, इस तरह की जीप आई है ये बॉक्स के अंदर। तो ये कवर को रखते हैं साइड में। तो अब निकालते हैं हमारी जीप को। रॉक हॉबी की पैकिंग मेरे को काफी ज्यादा सही लगती है यार। अंदर की तरफ एक इस तरह का मजबूत डिब्बा भी होता है, आप ये डिब्बे पे बैठोगे ना फिर भी ये डिब्बा नहीं टूटेगा, इतना मजबूत डिब्बा होता है इसका। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक सूटकेस की तरह है। खोल दिया मैंने इसको, अब एक काम करते हैं कार को निकालते हैं यहां से। खोल दिया। ओ भाई साहब क्या ही गजब की चीज है यार इसके अंदर। ये कार कंप्लीटली मॉडिफाई होके मेरे पास आई है। पीछे की तरफ देखो इस तरह की मेश वगैरह लगी है और यहाँ पे ये देख रहे हो ना गाइस, ये इसके बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर लगाने के लिए। ये पता नहीं यार क्या है, कहाँ पे लगेगी, एक बार यूजर मैनुअल में मेरे को पढ़ना पड़ेगा। इसको हटाते हैं और निकालते हैं हमारी जीप को। तो एक बार इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ माय गॉड, सच में यार ये जिमनी से भी ज्यादा बड़ी मेरे को लग रही है। काम करते हैं अपनी जीप को रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें मिले हैं। अरे ये क्या है यार, ओए ये देखो गाइस, इसके साथ मेरे को एक जिली सूट पहना हुआ सोल्जर भी मिला है। अच्छा तो ये सोल्जर हम लोग चाहे तो जीप के अंदर बैठा भी सकते हैं। ओ माय गॉड, ये देख लो ये इसका जिली सूट है पूरा का पूरा। यहाँ पे है रिमोट कंट्रोलर, ये क्या यार टूटा हुआ रिमोट मिला है मेरे को। अच्छा अच्छा तो ये देखो गाइस, ये टूटा हुआ नहीं है, ये रिमोट यहाँ से जुड़ जाएगा। इसको एक बार जोड़ देता हूँ मैं। ये देखो रिमोट रेडी हो चुका है, ऊपर की तरफ बहुत सारे बटन्स है इसके अंदर। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, उससे पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो मैंने बहुत सारे मोटर्स भी मंगवाए थे सेपरेटली, जैसे कि देख सकते हो ये एक मोटर है और ये एक मोटर है और ये एक ट्रैक्सस की टाइटन 21T मोटर है। और आपको पता होगा मेरे XRT के अंदर गियर्स भी टूट गए थे तो मैंने गियर्स भी मंगा लिए हैं। अब देख सकते हो XRT के भी मंगाए मैंने, साथ में XMAX के भी गियर मंगाए हैं। और यहाँ पे है इसके शूज, हमारे पास जो सोल्जर है उसके शूज भी मेरे को मिले हैं इसके साथ। शूज को यहाँ पे पहनाना होता है, ये सारी चीजें थोड़ी देर में करते हैं गाइस। उससे पहले इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको फटाफट से दूंगा। ये कार बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नंबर दिया गया है USA 05162675, काफी बड़ा नंबर है।
अंदर की तरफ स्टीयरिंग है और ये स्टीयरिंग कंप्लीट काम भी करती है जैसे कि रियल कार्स में काम करती है। यहाँ पे इसकी विंडशील्ड है, विंडशील्ड के पास देखो यहाँ पे एक पीछे देखने के लिए एक छोटा सा मिरर भी दिया गया है। यहाँ पे इसके गियर्स वगैरह है, लीवर वगैरह है और यहाँ पे इस तरह की फुट रेस्ट भी इसके अंदर दी गई है। ये कम्प्लीटली एक्सेसरीज का पार्ट है, ये और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसके एक्सेसरीज के साथ आता है। आप चाहे तो इसके ऊपर एक छत भी लगा सकते हो। छत लगाने के लिए देखो इस तरीके की सेटिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ व्हील है, इसके ऊपर एक जाली लगी हुई है, ये भी कस्टमाइजेबल है तो इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया मैंने। बाकी पीछे की तरफ टेल लाइट आप देख सकते हो, ये कंप्लीटली काम भी करती है। पीछे एक ट्रेलर अटैच करने के लिए हुक भी दिया गया है। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक है, आप चाहे तो यहाँ पे और भी फ्यूल टैंक या फिर इसके ऊपर वेपन्स वगैरह लगा सकते हो। साइड की बात करूं तो यहाँ पे एक शॉवल देखने को मिलता है, एक एक्स देखने को मिलता है और ये आप यहाँ से निकाल भी सकते हो या फिर वापस इसी तरीके से लगा भी सकते हो। ये एक्स भी आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हो। काफी अच्छी क्वालिटी के इसके वेपन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तरफ यहाँ पे साइड मिरर आपको देखने को मिलेगा और ये रियल वाला मिरर इसके अंदर लगाया गया है। इस तरफ आपको कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल सामने की जो विंडशील्ड है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मेरे को लगी है। तो यहाँ पे वाइपर्स भी देखने को मिलता है और ये कम्प्लीटली प्लास्टिक के ग्लासेस इसके अंदर दिए गए। अब इसके जो मेन पार्ट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ओपन कर दिया है। अरे ये क्या यार, यहाँ पे तो पूरा इंजन का डिजाइन इन लोगों ने दे रखा है। आपको पता होगा जितनी भी रॉक हॉबी की कार्स होती है उनके स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिए जाते हैं, पर इसके अंदर यहाँ पे देखो इंजन जैसा डिजाइन इन लोगों ने बना रखा है। तो एक बार मैं इसको पलट के भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल रियल जीप के अंदर जिस तरह की ग्रिल होती है उसी तरह की ग्रिल दी गई है। हेडलाइट्स है, यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स है। अरे यार ये इंडिकेटर तो नहीं होता है। यहाँ पे देखो शायद ये एक्स्ट्रा लाइट इसके अंदर दी गई है और ये लाइट काम भी करती होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत बड़े बड़े साइज के व्हील्स इसके अंदर दिए गए, जैसे कि मेरे पास जिमनी है, जिमनी के व्हील से भी इसके व्हील्स मेरे को काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं। इसका टूल बॉक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा सीट इसके अंदर लगाई गई है। तो अभी नीचे बता देता हूँ गाइस, नीचे जो फ्रेम है इसका कंप्लीटली मेटल का बना हुआ है। इसकी मोटर यहाँ से आप देख सकते हो, इसके अंदर 31T की मोटर दी गई, ऑयल फिल्ड मेटल के सस्पेंशन इसके अंदर दिए गए। ओके, पीछे का सस्पेंशन काफी ज्यादा स्मूथ ये कार के अंदर दिया गया है। तो ये रही सुजुकी जिमनी, दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। तो दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम टू सेम है यार, ये भी बहुत ज्यादा सॉलिड है। आपको पता होगा ये कार को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो इसका स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछली बार एक्स मैक्स ने इसका बोनट कम्प्लीटली तोड़ के रख दिया था। ओवरऑल दोनों में से मेरे को ये जीप काफी ज्यादा रियलिस्टिक जीप जैसी ही दिखाई दे रही है। तो ये जो सोल्जर मैंने इसके साथ लिया था, आप चाहे तो इसको यहाँ अंदर की तरफ बैठा भी सकते हो। देख लो गाइस इस तरह का लुक इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर फिट करने के लिए एक और चीज भी मैंने खरीदी है, ये देखो गाइस। इसको देखने के बाद आप कंप्लीटली चौंकने वाले हो। इसके ऊपर लगती है इतनी बड़ी मशीन गन, बिल्कुल रियल मशीन गन जैसी ये दिखाई दे रही है। इसके साथ इस तरह का एक बॉक्स भी मिलता है इसके अंदर बुलेट्स वगैरह स्टोर करने के लिए। यहाँ पे एक और बॉक्स भी है और ये शायद इसका स्टैंड है इसके ऊपर लगाने के लिए। काफ़ी बड़ी मशीन गन है यार ये, तो इसको रखते हैं। तो थोड़ी देर में इसको मैं फिट भी करके बताऊँगा। ये इसके सारे के सारे पार्ट्स हैं, ये भी पार्ट ही है, ये पार्ट है और ये शायद इसका हैंडल है। यहाँ पे इसके ये रहे बुलेट्स। तो इसकी मशीन गन को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका एम्यूनेशन बॉक्स है, इसके अंदर इसके बुलेट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो मशीन गन है कम्प्लीटली देखो गाइस इस तरीके से घूम भी जाती है, पूरा 360 डिग्री आप इसको यहाँ से घुमा सकते हो। पीछे की तरफ यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे ट्रिगर है फायरिंग करने के लिए। आप इसके ये जो बुलेट्स है इसके अंदर यहाँ से निकाल कर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर लोड भी कर सकते हैं। ये देख लो गाइस काफ़ी सही तरीका दिया गया है। यहाँ पे एक हैंडल है इसको गोल घुमाकर शूट करने के लिए। ये देखो गाइस इसको हम जैसे जैसे घुमाएंगे नीचे से जो बुलेट्स है ऊपर की तरफ आने लगेंगी। तो अब ये बड़े से बॉक्स को ओपन करके देखते हैं गाइस। यहाँ से मैं इसको काट दिया हूँ और यहाँ से इसको निकाल लेते हैं बाहर। बॉक्स को मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास आई है आर्मा फिलोनी आरसी कार। ये कार मैंने XO1 को टक्कर देने के लिए मंगाई है गाइस। देख लो कार का बॉक्स कितना ज्यादा बड़ा है। आप सोचो गाइस ये कार कितनी ज्यादा बड़ी होगी और कितनी ज्यादा फास्ट चलेगी। यहां से भी बॉक्स को फाड़ लेते हैं। ये रही हमारी आर्मा फिलोनी। अरे बाप रे, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था गाइस ये इतनी ज्यादा बड़ी होगी। ये देख लो यार,
ओह माय गॉड, और ये X01 की टक्कर वाली कार है गाइस। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये X01 को रेस में जरूर से हराएगी। ये रहे इसके मेन स्पेसिफिकेशंस। इसके अंदर 107 mm के टायर दिए गए हैं और ये टायर नॉर्मल टायर्स नहीं है गाइस, जैसे कि F1 कार के अंदर जो रेसिंग कार के अंदर टायर्स होते हैं उसी तरीके के टायर्स ये वाली कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सुपर ड्यूरेबल व्हील हब्स भी इसके अंदर दिए गए, ऑल फील्ड एडजस्टेबल शॉक्स भी ये कार के अंदर लगाए गए। ये कार जो है सिर्फ ऑन रोड कार है, फिर भी देखो आप इसको चाहे तो ऑल रोड्स ऑल कंडीशंस में चला सकते हो, जैसे कि पानी में भी चला सकते हो और तो और बर्फ में भी ये कार को चला सकते हो। पेलोनी की अनबॉक्सिंग मैं आने वाले वीडियो में करूंगा और इसका कंपैरिजन X01 के साथ भी आपको करके बताऊंगा। तो चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है आकिब, सैफ, असीम, लक्ष्य, हिमांशु, अरमान, फहद, रोहित, सुधीर, नवजोत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।